सो गाइस आज है डे 5 मॉर्निंग और आज हमारा चेकआउट है। सो बस जल्दी जल्दी चलते हैं, पैकिंग करते हैं क्योंकि अभी सी प्लेन आना बाकी है और सी प्लेन आने से पहले हम रेडी रहें ताकि सी प्लेन मिस ना हो जाए। पर बहुत मिस करेंगे मालदीव्स को, इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। मतलब मन नहीं कर रहा जाने का बिल्कुल भी, बट हां आई हैव टू गो फ्रॉम द डेस्टिनेशन। और बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और ट्राई करेंगे जल्दी दोबारा आने की। तो देखते हैं कब आते हैं, जब भी आएंगे तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे फिर, या फिर ये वाला रिजॉर्ट या फिर कोई और रिजॉर्ट एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइस व्यू जो था बहुत ही अमेजिंग हो रहा था, इवन बारिश भी जो हल्की हल्की शुरू हो गई थी। तो हमने सोचा कि लास्ट डे है तो आज जो है थोड़ा सा फ़ोटोशूट करा ले, बिकॉज जो हमारा चेकआउट टाइम था वो जो था हमारा 12 o'clock के अराउंड था। आप अपने नहीं देखी है तो इंस्टाग्राम पे जाके आप चेक कर सकते हैं अभी और आई विल शो यू सम मोर क्विक प्लेसेस एंड आल्सो क्विक पोजेस आप ले सकते हैं। वो जो है वहाँ पे हम अभी फ़ोटो क्लिक कराने के लिए गए थे और वहाँ पे जो है सूरज चढ़ गया था, तो अभी जो है उसके काफ़ी ज़्यादा लग गई है। तो जो आप ये वाली इस तरह के जो है एरियाज इस पे जो है ना चढ़े, ताकि जो है आपको लग ना जाए, तो ये थोड़ा ध्यान रखें आप। अब हम जा रहे हैं बैंडेड लगाने, इवन फ़ोटोशूट में फ़ोटोशूट का ज़्यादा हो जाता है, मैं फिर हम भूल जाते हैं कहाँ खड़े हैं कहाँ नहीं। देखिए मेरा भी कट लग चुका है, पूरा ब्लड निकल रहा है। तो आप कभी भी पॉइंटेड शॉट पे कभी एक्साइट होके ना खड़े हो जैसे मैंने किया। गाइस अगर आपको वीडियो तक पसंद आ रही है, हमारे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। हमारे पीटर फरी मैम लेके चल चुकी हैं, तो हम अभी करण भाई जूस लेके जा रहे हैं। एंड नाउ वेयर इज शी, ओके शी इज सिटिंग एट द एज, देख सकते हैं समुद्र किनारे और इसी चीज़ का व्यू है यहाँ पे। तो गाइस आज ब्रेकफास्ट है, हमारे साथ मैम है और विद पिटी, हमने देखो हम तो टैनिंग चुकी है। अब हेलो गाइस बोलने से पहले ये देखना पड़ता है हाँ कितनी टैनिंग हो गई है। सो ये यहाँ पे रिसेप्शन पे आके आप चेक कर सकते हैं इनकी बुकिंग को, अबाउट वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी इनकी प्राइस आप चेक कर सकते हैं। तो वेकबोर्ड हो गया आपका, ये प्राइस है और इसमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं है, और टैक्सेस जो होते हैं इनके वो ओवरऑल से मिला के $22 के आसपास पड़ता है। तो $22 आप इसमें ऑल एड ऑन कर लीजिए। ये हो गया आपका विंडसर्फ। गाइस बस अभी निकलते हैं फटाफट, हमारा RT-PCR टेस्ट हो चुका है, रिपोर्ट आ चुकी है, नेगेटिव है, एवरीथिंग इज फाइन। सो अभी थैंक गॉड होपफुली, सो अभी जल्दी से फटाफट रूम में चलते हैं, लगेज पैक करते हैं एंड देन वी आर ऑल सेट टू गो। और अभी कुछ और फॉर्म फिल करने हैं, जैसे इम्यू का फॉर्म है मालदीव के लिए, सो अराइवल पे भी डिपार्चर पे भी। तो फॉर्म की स्क्रीनशॉट मैं आपको साइड में कर दूंगा, लिंक सेंड शेयर कर दूंगा। अभी चलते हैं रूम में, पहले पैकिंग कर लेते हैं। आज हमारा लास्ट डे है डे 5, सो हम चेकआउट कर रहे हैं, पैकिंग हो चुका है। सो वी गोना मिस दिस वाटर विला, बहुत अमेजिंग है। और अगर टैनिंग लेके जा रहे हैं साथ में, टैनिंग लेके जा रहे हैं, इट्स लाइक अ मेमोरी जो हम विंटर में रिकवर करेंगे। और पर हाँ एक मन में फीलिंग जरूर रहेगी कि दोबारा जरूर आना है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रिप अगला कौन सा बनता है इसके बाद, अब स्टे ट्यून रहिएगा। टिल देन हम विलाउ करते हैं, बाय 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 बाय। सो इट्स लॉक नाउ, व्यू देखो अमेजिंग। एक ही ले लेता हूँ, वह
morning. Hi Gabby, how are you? Very good, guys. It's time to, you know, again plan and again recon. Alright, you see, without going back, you can't come back, right? Yeah. It's the life cycle. Yeah, definitely. Have a nice flight. Thank you. Thank you so much for making our trip. For oh, great. Right. Thank you so much for making our trip memorable. Yeah. No, bye. Thank you. Thank you. Bye. लास्ट है एक बार, लास्ट दोबारा एक बार हम एक वो ले लेते हैं, एक लास्ट व्यू सराउंडिंग का, ताकि हमारे पास मेमोरी रहती है। ब्लॉगिंग से ये फ़ायदा है कि हमारे मेमोरी होती है हमेशा के लिए। तो बस ये वहाँ पे हम जाएंगे, अभी सी बोर्ड दिखाई दे रहा है, वहाँ पे लगेज डालने के बाद सी प्लेन पर आते हैं। सो हियर कम्स आवर सी प्लेन। वाओ, क्या लैंडिंग थी यार, सुपरस्टार की तरह। अभी ये उस जो प्लेटफॉर्म वहाँ पे फ्लोट कर रहा है वहाँ पे जाएगा, और यहाँ से शिप तक हमें बोट लेके जाएगी जो ये सामने है। ग्लास क्लिक करवा लेते हैं। इस तरीके से इतना प्यारा व्यू आ रहा है यार, देखो बड़ा सी पेन। आज इनका चेक इन है, दे आर कमिंग इन एंड वी आर गोइंग आउट। Okay. So guys, we have to put this in our ear because the engine sound will be very loud. So we have to put this in our ear. Otherwise, bahare ho jayenge. ये है अभी रॉबिन्सन के विलास, इसमें बाहर में आपका काउच पड़े हुए हैं और बैठने के लिए, और ये जकूजी बनाया हुआ है, आई बिलीव जकूजी है जो वाइट आप देख पा रहे हैं, वाइट साइड में बाहर की तरफ वाटर विला जो है, इनका भी अच्छा है। मे बी फिर नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करें। यह है रॉबिन्सन। सो भी ये फर्स्ट स्टॉप था, मैंने हमारी चिल करती हुई। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. So guys, अभी फ्लाइट से निकल चुके हैं, एंड मास्क इज ऑन एंड सेफ्टी इज ऑन। सो अभी यहाँ से निकल रहे हैं बस, अभी आई बिलीव यहाँ लॉन्च में वेट करना पड़ेगा फॉर क्विक स्नैक्स, एंड मीन वाइल दे विल अरेंज अ कैब, और कैब ऑलरेडी रेडी होगी तो फिर तो
वेट नहीं करना, आई थिंक शायद कैब रेडी है, आपको मैं बैक कैमरे से दिखा दूँ। तो अभी ये हमारा लगेज चल रहे हैं कैब में, एंड अभी हम चलते हैं एयरपोर्ट, सीधा एयरपोर्ट। उतर गए हैं, अभी हम जा रहे हैं लॉन्च एरिया था जहाँ पे हमने पिछली बार वेट किया था, तो अब हम जा रहे हैं अपने एयरपोर्ट की तरफ। तो चलिए मिलते हैं एयरपोर्ट पे। और ये साइड में व्यू बड़ा प्यारा है, और ये आप देख सकते हैं ये सिटी का व्यू है, अभी आपको दिख जाएंगे लोग बाग चलाते हुए, टू व्हीलर फोर व्हीलर, और आप देख सकते हैं ये ग्रीन भी काफ़ी है, यहाँ पे लोग बाग रेड लाइट फॉलो करते हुए। तो गाइस अभी जो है हम जो भी आइलैंड पे हैं, हमने अभी भैया से पूछा तो इसका नाम है हुलुले आइलैंड, और यहाँ पे काफ़ी पब्लिक आइलैंड्स अवेलेबल हैं। अब एयरपोर्ट के अंदर एंटर कर चुके हैं, तो ये इंदिरा गांधी की एंट्रेंस की तरह तो नहीं है, और ये सब आइलैंड, तो यहाँ पे देखिए ये पुलिस वाले हैं जो वाइट कलर के, और ये आपका एयरपोर्ट है, यहाँ से एंट्रेंस भी है एंड आगे से भी है। आप देखते होंगे सबकी अलग अलग कैब आती हैं, जैसे दूसरे ये रेस्टोरेंट की है, और अभी हम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, अभी एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और मास्क के ऊपर। ओके, अब यू हैव टू गो दिस वे सुरभि, दिस वे, इस साइड जाना है। हाँ, यू हैव टू गो दिस वे। Oh yeah, from Brinia. Okay. Yes, okay. How was Thank it? you. It was Alish. Okay, he's Alish, and he has given the complete information and the pre-checks to be done. So as you're already getting late, so we'll say thank you so much, Alish, and we'll surely make plans once again to visit Brinia. Hope to see you again. Thank you. Bye bye. Bye. So guys, Imuga form mandatory है यहाँ पे, उसके बिना आपको जाने देंगे नहीं यहाँ पे। तो आप IMUGA इसका मैं लिंक साइड में डाल दूंगा, ये नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, आप वो भर दीजिएगा। और साथ में जब आप वापस यहाँ से जाएंगे तो आपको एयर सुविधा का फॉर्म भी भरना पड़ेगा। ये है पीछे उन्होंने हालांकि यहाँ पे लोगो लगा रखे हैं हर कंट्री के, ये बार कोड स्कैन करके आप अपना स्कैन कर सकते हैं कंट्री का। तो हमारे इंडिया का है ये हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म है, तो जब आप मालदीव से वापस इंडिया जाएंगे या किसी भी कंट्री से इंडिया आ रहे हैं, आपका डिपार्चर है, तो आपको ये फॉर्म भरना ही भरना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको जाने भी नहीं देंगे आपको। और इनके साथ एंड मौके भरेंगे तो आप फ्लाइट लेट हो सकती है। सो गाइस ये एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट थोड़ा छोटा है, तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये चेक इन काउंटर है, अलग अलग इसका काउंटर सब है एतिहाद के, अलग अलग कंट्री के, और इंडिया का भी फिलहाल वहाँ पे है। आप देख सकते, जूम करता हूँ, इंडिगो दिल्ली काउंटर, और अभी चलते हैं। आपको देखिए ये छोटा सा काउंटर है, और जहाँ पे वो लिखा हुआ येलो कलर में डिपार्चर, वहाँ से निकलते हैं। तो गाइस ये इमिग्रेशन कंट्रोल, यहाँ पे जो है फर्स्ट चेक होगा, फिर उसके बाद जो है सेकंड चेक जो है सामने होगा। ठीक, तो पहले आप टिकट्स ले लोगे, उसके बाद दो इमिग्रेशन काउंटर है वो हमें गो थ्रू करने पड़ेंगे। ठीक है, कंट्री स्पेसिफिक सबसे पूछ रहे हैं, कोई रिहाद से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, सबके लिए अलग काउंटर बना रखे हैं इन्होंने। तो आपके पास मेक श्योर सारे फॉर्म फिल होने चाहिए और आरटीपीसीआर टेस्ट भी होना चाहिए। अभी मालदीव वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं कह रहे, वैसे भी इनके कुछ बोलते भी अभी सबसे पूछ रहे हैं, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सैंपल का। खंडर जो है चेकिंग हो रही है फुल, आपके डॉक्यूमेंट्स की हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म और एक और फॉर्म मनमुगा समथिंग लाइक दैट, और हमें जो है इन्होंने यहाँ पे बोला है कि यू कैन गो हियर। तो हम जो है
अभी सारे डॉक्यूमेंट वगैरह इन्हें दिखाएंगे एंड देन दे विल चेक एंड देन क्लियर अस. अभी जो है इन्होंने जो है चेकिंग की, सिर्फ जो है यहाँ पे पासपोर्ट चेक हुआ और साथ में बोर्डिंग पास. बोर्डिंग पास में जो है फर्स्ट काउंटर पे जो है जब जैसे ही आप एंटर करोगे आपसे वो पूछ लेंगे मालदीव से आए हो, तो वो क्या करेंगे बोर्डिंग पास पे जो है स्टैंप लगा देंगे होम क्वारंटाइन का. और उसके बाद जो है आपको जाना है इमिग्रेशन काउंटर पे जहाँ पे जो है ये पासपोर्ट चेक करेंगे और वो बोर्डिंग पास आपका चेक करेंगे. अभी जो है हम आगे चलते हैं, अगर आगे कोई चेकिंग वगैरह होती है तो मैं आपको साथ के साथ अपडेट कर दूँगी. यहाँ पे जो है आगे काउंटर में जो है अपना पासपोर्ट शो करना है और साथ में जो है इमिग्रेशन स्टैम्प के साथ जो पिछले काउंटर पर हुई थी उसके साथ. तो अब ये चेकिंग कर रहे हैं. था अभी जो मैंने दिखाया आपको वहाँ पे जो है आपका चेक कर रहे हैं पासपोर्ट विद इमिग्रेशन स्टैम्प. अभी जो है आगे चलते हैं, अभी बैगेज की तरफ जा रहे हैं हम लेने, तो देखते हैं आगे कुछ है फॉर्मेलिटीज़ की नहीं.